फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी सी चुलबुली सी नटखटी सी तन्वी और मैं आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाली हूं, क्योंकि मैं जा रही हूं अपने मम्मा के घर, क्योंकि मेरे पापा बाहर जा रहे हैं और मैं और मेरे क्यूट से हस्बैंड वहां जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे वहीं अपनी क्यूट सी मम्मा के यहाँ। बाय फ्रेंड्स। क्या रिश्ता है इनका आपके साथ? जी मेरी वाइफ है। और ये इनकी मॉम। मॉम? मदर इन लॉ। कम ऑन। जी ये इनकी स्टेप मॉम है, बहुत प्यार करती थी इनसे। आपके हस्बैंड कहाँ है? जी वो दुबई गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। पारुल। जी सर। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो एंड फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर्स। ठीक है सर। और इनके लास्ट 3 मंथ्स के कॉल डिटेल्स निकाल दिए। ऑलराइट एंड अपडेट मी। यस सर। आरव। हाँ आरव, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लो ना। नहीं मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। आरव ऐसे कैसे चलेगा, तन्वी मेरी भी तो बेटी है, मुझे भी उसके जाने का बहुत गम है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या तन्वी को अच्छा लगेगा, बताओ आरव। ये लो। नहीं। आरव। हाँ पारुल, बोलो क्या अपडेट है। जी सर, तन्वी की जो कॉल डिटेल्स हैं वो निकलवा दी है, लेकिन उससे कुछ खास पता नहीं चल पाया। ओके। लेकिन हाँ, आरव और उर्मिला के कॉल डिटेल्स निकाले, उससे पता चला है कि उन दोनों के बीच कुछ दिनों पहले काफी घंटों तक बातचीत हुई है और उनके व्हाट्सएप चैट भी कुछ अजीब सी है। अजीब मतलब? सर उन दोनों के चैट में कुछ रोमांटिक मैसेजेस मिले हैं जिससे गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तो फिर चलते हैं उसके घर पे। ठीक है। गाड़ी निकालना पांडे। यस सर। चलो ये गाड़ी किसके है सब, बाहर निकालो। आरव है? जी हाँ। आरव को बुलाइए, उनसे बात करनी है। आरव। आरव। जी आया। आप लोग यहाँ और इस वक्त? मिस्टर आरव, हम लोगों ने तन्वी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की है और आप दोनों के बारे में भी, और उसकी वजह से हमारे सामने कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं। आपके कहने का क्या मतलब है सर? मतलब आपको यहाँ समझना है या पुलिस स्टेशन जाकर समझना है? क्यों मिस्टर आरव? व्हाट रविश, आप कहना क्या चाहते हैं? पारुल, इन लोगों को ना पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है सर। जाके 3rd degree देंगे ना तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, नहीं, चलो। नहीं सर। एक मिनट सर, इसमें आरव की कोई गलती नहीं है, वो तो बेकसूर है। तन्वी की मौत की असली जिम्मेदार तो मैं हूँ।
मैंने किया ये सब। मम्मी जी, तो अब आप हमें पूरी डिटेल्स में ये बात बताएंगी? जी हाँ, तो बोलिए। मैं सब कुछ सच बताती हूँ। तन्वी मेरी सौतेली बेटी थी। मेरे हस्बैंड यानी कि तन्वी के पापा हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और मैं बस उनकी नाम के लिए पत्नी बनकर रह गई। और एक दिन, अरे उर्मिला, अरे भाई पर्स लाओ, भाई लेट हो रहा है बहुत। उर्मिला डार्लिंग। हाँ जी। आओ 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 भाई। आ रही हूँ। कहाँ थी तुम अब तक? तो फिर इस बार भी एक महीना रहोगे क्या? तुम कहो तो नहीं जाता हूँ। ठीक है, मत जाओ। अरे अरे अरे, काम तो करना पड़ेगा ना। तो फिर एक महीने में तो आपको मेरी बहुत याद आएगी। याद तो आएगी, उसके लिए मैं तुम्हारा किस लेके जा रहा हूँ एक महीने का? अच्छा, तो अब लेट नहीं हो रहा है आपको? अरे हाँ, लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, वो बेटी और दामाद आएंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कोई टेंशन मत लेना। ठीक ठीक है ना? वैसे भी डिजिटल इंडिया है, हम रात को बात करेंगे। बाय बाय। अरे यार भूल गया, एक महीने का कोटा तो लेना बाकी था। बाय। हाय मॉम। तन्वी बेटा, तुम तो बड़े दिनों बाद आई। अब आई हूँ ना तो एक महीना रह कर जाऊंगी। अच्छा, आओ बैठो। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कितना लेट हो गए तुम लोग, पापा कब से निकल गए, तुम मिल भी नहीं पाई तन्वी। पापा चले गए? वो एक्चुअली, अरे वो मॉम, आरव को कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए हम लेट हो गए, सॉरी। ठीक है, चलो जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। ठीक है, चलो आओ, अपना सामान लेकर आओ। ओ ऐसी है वो। थैंक यू। ये लीजिए मैडम, खाना। तीन जन का हो जाएगा? हाँ मैम, हो जाएगा। ठीक है। तन्वी, आरव, खाना खाने आ जाओ। तन्वी, ये लोग आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? जाकर देखती हूँ। तुम भी ना, जब देखो तब रोमांटिक हो जाते हो। देखो ना, मॉम आवाज दे रही है कब से, चलो ना। थोड़ी देर रुक जाओ ना, देखो ना कितना रोमांटिक मौसम है। मॉम आवाज दे रही है आरव। अरे चलेंगे ना मम्मी के पास थोड़ी देर बाद। अरे ये तो ठंडा हो गया है। तन्वी, आरव, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। आई मम्मा। आओ आरव। आया बाबा। जाओ डिश लेकर आओ, खाना ठंडा हो गया। लाती हूँ। वाह, आज खाना बाहर से? हाँ, अकेली तो रहती हूँ, कल से तुमको पका कर खिलाऊंगी। तीनों का हो जाएगा? हुँ।
बाय मम्मा। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मॉम, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसी से मिलने जा रहे हैं। मुझे मार्केट में सामान लेने जाना था, अगर आरव घर पे रुक जाता तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती। आरव रुक जाओ। ठीक है, वैसे भी मुझे वहाँ पे करना क्या है, तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने फ्रेंड से मिल के आओ। ओके ठीक है, तो हम सब शाम को एक साथ मिलते हैं। पक्का? ठीक है बेटा। बाय बाय। आरव तुम यहाँ बैठो, मैं रेडी होके आती हूँ जल्दी से। ठीक है। जी मम्मी जी। अंदर आओ ना। अच्छा ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? वाह मम्मी जी, आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या मम्मी जी लगा रखा है, अब मेरी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं है तुमसे, तुम मुझे उर्मिला या उर्मी बुला सकते हो। ओके मम्मी जी, मेरा मतलब है उर्मी। अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो। सिर्फ अच्छी? मैं तुम्हें हॉट और सेक्सी आइटम नहीं लगती? ये क्या कर रही हैं आप, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है आरव, आज से ये हॉट और सेक्सी आइटम तुम्हारी हुई, तुम जब चाहो जैसे चाहो इसे यूज कर सकते हो, और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। लेकिन 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 कुछ नहीं। आरव। हाँ आरव सुनो। हाँ मम्मी जी। जरा ऊपर आना मेरे रूम में, अलमारी के ऊपर से कुछ सामान निकालना है मुझे। जाओ ना। जाओ जाओ। ठीक है आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। मम्मी जी। अरे अंदर आओ ना। आपको कुछ काम था? आरव। आरव आज मेरे पैर में भी बहुत दुख रहा है, प्लीज दबा दो ना। आप पागल हो गए क्या? तन्वी को पता चलेगा प्लीज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आरव, आरव प्लीज, ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज आरव। नहीं प्लीज आरव। आरव आरव। हाँ बेबी। कहाँ हो तुम? बस यही तुम्हारे पास। दिख तो नहीं रहे थे अभी। हाँ क्या हो गया, आज लगता है बेबी का मूड खराब है। सर में बहुत तेज दर्द है। मैं दबा देता हूँ। ठीक है दबा दो। आ जाओ।
भी ना। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम्हारा दर्द भी चुटकियों में चला जाएगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने मम्मा पापा के घर आई हूँ बहुत दिनों बाद। ये देखिए, एक मेरा प्यारा सा घर है। और ये देखिए, ये हमारा बहुत सारा घर। आ गए तुम। और ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा हस्बैंड। क्यूट है ना? अच्छा चलो, अभी तुम जाओ, मुझे ब्लॉगिंग करने दो, प्लीज जाओ। जाओ ना, क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ ना। तुम भी ना, हमेशा परेशान करते रहते। मत परेशान करो, जाओ ना बाबा। अरे छोड़ो, तुम भी ना जाओ अभी। तन्वी से कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो उसकी, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बोलो ना आरव, मेरी भी केयर करो ना आरव। आप क्या पागल हो गई हैं? मैं तन्वी की केयर इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तन्वी से प्यार करता हूं। वो मेरी वाइफ है, मेरी धर्म पत्नी। और हाँ, हम लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए था, बाकी और कुछ नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और एक बात सुन लीजिए, आगे से अगर कोई भी अब ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश की ना, जिससे आपके और मेरे बारे में तन्वी को शक हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ फिर से आई हूँ और आज मैं आप सबको अपनी टेरिस दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी पूरी टेरिस। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा है, वाओ कितनी रंगीन शाम है। तन्वी, तन्वी आप रुकिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तुमसे आरव के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आरव के बारे में? हाँ, आरव ये देखो, के बारे में क्या बात है मॉम? तुम देखोगी, खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखा तुमने तन्वी, मैं और आरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पाता। वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है तन्वी। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम अपनी माँ को पहले ही खो चुकी हो, अब तुम अपनी ये माँ को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ तन्वी, प्लीज चली जाओ, प्लीज तन्वी। हाय फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसी ने मुझे चीट किया, इसलिए अब मेरा ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। इसलिए अब मैं हमेशा के लिए साइन ऑफ कर रही हूँ। आप सब अपना ध्यान रखना, बाय। आपने अपने फायदे के लिए एक मासूम की जिंदगी छीन ली मैडम, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। पारुल, ले चलो इन दोनों को।